गाइस, आज की अपन की वीडियो जोधपुर जंक्शन में सबसे लास्ट वॉशिंग यार्ड ट्रैक से रायकाबाग जंक्शन तक की अपन अपडेट देखेंगे आज। एंड लास्ट वीडियो जब अपन ने यहाँ पे मैंने शूट किया था तो अपन ने देखा था यहाँ पे वायरिंग का काम पूरा परफेक्ट यहाँ पे हो गया है। तो आज की अपडेट अपन यहाँ लास्ट में जो बड़ा वाला पॉल है इससे आगे तक की अपन वायरिंग पूरी देख लेते हैं और क्या नई अपडेट है वो अपन देख लेते हैं आज। लास्ट में जब अपन ने देखा था वीडियो में तो यहाँ की वायरिंग थोड़ी सी मतलब सही करनी थी, तो यहाँ से तो मुझे बाहर की वायरिंग जो है कई शायद काम चल रहा है, पूरी नहीं हुई अभी। एंड गाइस, लास्ट वाले ट्रैक के वायरिंग की बात करूँ तो काफ़ी हद तक मतलब परफेक्ट सेट हो गई है। लास्ट वीडियो के अंदर इतनी जो वायरिंग आगे तक करी हुई थी ना वो मतलब पूरी परफेक्टली नहीं करी थी उन्होंने, सिर्फ एक बार टेम्परली लगा के छोड़ दिया था। एंड मोहनपुरा पुलिया तक की वायरिंग का शायद काम चल रहा है। एंड मोहनपुरा पुलिया के नीचे की साइड में देखे गाइस, जो वायरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज में है और बाहर की वायरिंग देखिए थोड़ी वाइड है। तो ये सेम सिचुएशन ही रायकाबाग जंक्शन पे रहेगी जहाँ पे फुट ओवर ब्रिज एंड थोड़ा सा जस्ट पहले जो फ्लाई ओवर बना हुआ है, क्योंकि ये चीज़ अपन मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि वहाँ से जो फुट ओवर ब्रिज है वो ऊपर नहीं जाएगा और जो फ्लाई ओवर है वो सेम कंडीशन में ही रहेंगे। और मोहनपुरा पुलिया से आगे की अगर बात करूँ तो गाइस शायद थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे। लास्ट वाले ट्रैक की वायरिंग तो गाइस देखिए पूरी की पूरी परफेक्ट है, तो छोटे छोटे काम होते हैं ना, फाइनली बस वही थोड़े बहुत बाकी रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द पूरा हो जाए। एंड रायकाबाग जंक्शन वाली साइड की अगर बात करूँ तो अभी कंडीशन पहले वाली है। एंड लास्ट वीडियो में जब अपन ने देखा था ना, लास्ट वाले ट्रैक की जो वायरिंग है सबसे लास्ट तक पूरी कर दी है उसको, तो आई थिंक जितना मुझे दिख रहा है पूरी की पूरी परफेक्ट कर दी है। एंड उसके अलावा ट्यूब्स और एचटीपीटी का काम अभी चालू नहीं हुआ है। रायकाबाग पे भी सिचुएशन अभी सेम ही है, कुछ नया नहीं है। एंड ये जो सामने जो फुट ओवर ब्रिज दिख रहा ना गाइस, इसको मेरे ख्याल से हटाएंगे, क्योंकि ओलंपिक पे जो फुट ओवर ब्रिज था उसको भी हटाया था एंड इसको भी शायद यहाँ से हटाएंगे। एंड आगे वाले जो फुट ओवर ब्रिज है ना जंक्शन पॉइंट पे ही, वो नहीं हटाए जाएंगे। एंड गाइस, आगे तक में भी नया कुछ भी नहीं है, सेम सिचुएशन ही है, ऊपर वाला ट्यूब सपोर्टिंग पोल भी लगाना है। एंड लास्ट वीडियो जब मैंने ब्लॉग वीडियो बनाया था उसमें शायद आगे की तरफ एक दो ट्यूब सपोर्टिंग पोल लगे हुए, तो अलग बात है कि वो पहले लगाते थे। एंड इधर वाला भी लगाना बाकी है, नीचे पोल्स रखे हुए भी है प्लेटफॉर्म पर।
एंड सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है ना गाइस, इसके नीचे की वायरिंग भी थोड़ी सी क्लोज में रहेगी। एंड आगे जो फुट ओवर ब्रिज है उसकी भी जो वायरिंग है वो थोड़ी नीचे क्लोज में रहेगी, जैसे मोहनपुरा पुलिया के नीचे थी। पूरी सिचुएशन सेम ही है गाइस, तो आउटर की बात करूँ तो लगभग सभी पोल्स रखे हुए हैं। ऊपर के ट्यूब सपोर्टिंग पोल भी दो तीन ही लगाना बाकी है। एंड जंक्शन पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जंक्शन पे तो पूरा काम पेंडिंग ही पड़ा है। सो गाइस, आज की अपडेट वीडियो को याद तक ही रखूँगा। जैसे कोई नई अपडेट मिलेगी वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। एंड भगत की कोठी की अपडेट में देखकर आया था, एंड जो वायरिंग का काम है वो चल रहा है। एंड जो डीजल लोको शेड है वायरिंग उसके अंदर तक अभी गई नहीं है। एक बार जैसे अंदर तक चली जाएगी तो वहाँ का वीडियो भी मैं अपडेट पर आपको वीडियो बना के बता दूँगा। साथ की वीडियो को याद तक ही रखूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।